भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जनपद में 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सहित सभी चारों सीटों पर ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। इससे बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया। अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी, बताइए क्या यही नई सपा है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो और चुनाव में हारने की स्थिति के बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी करोगे कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उस पर हमला करवाओगे? या भैया ध्यान रखिएगा, ये समाजवादी पार्टी की सरकार का युग समाप्त हो गया है। अब गुंडई के बल पर बूथों पर कब्जा करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। मैं चुनाव आयोग से ऐसे अपराधियों के खिलाफ अविलंब सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूं और मैनपुरी जनपद के सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा